लकी मी, 24 घंटे एंड कॉल बैक। अनाया ऐसी बात नहीं है यार, एक्चुअली आजकल सोने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, इतना काम चल रहा है, आई कांट टेल यू। अरे काम कब नहीं था, और काम का प्रेशर क्या होता है ये तुम और मैं अच्छे से जानते नहीं? अभी आई लव माई जॉब, बट रिलेशनशिप वो भी तो इम्पोर्टेंट है। आरवी, हेलो, आर यू देयर? अनाया वो तुम्हारा मॉक ट्रायल था ना, उसकी तैयारी कैसी चल रही है? मैंने सुना है काफी काफी टफ होता है वो। हो जाएगा। वैसे मैंने तुम्हें एक मेल भेजा है, टाइम मिले तो पढ़ लेना। या अनाया मैं बस वो ही देख रहा था। मैं वो पढ़ चुका हूँ, सोचा तुमसे फोन करके डिस्कस कर लूँ। डिस्कस करें? या श्योर। भाटिया जी, मनचंदानी साहब, ढोलकिया जी और गुप्ता एंटरप्राइजेस, ये सब आपके रीगल फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अरे चुपका साहब, ये कंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों के लिए तो किया है। खैर फिलहाल अभी धंधे की बात छोड़िए, पार्टी हो रही, पार्टी एंजॉय करिए, इतने पैसे लगा रहे हैं आप लोग। एंजॉय सर। थैंक यू सर। काफी इन्वेस्टमेंट हो गई है। Congrats, we're a good team. You too. Let's enjoy. Cheers. रख, तू यहीं रुक, मैं भी आता हूं। जैसा डैड कहते हैं आप वैसा करते रहिए, एंड वी विल ऑल बी हैप्पी। चीयर्स। ये तो कल वाला वर्कर है जिसके हाथ में बैंडेज है। इसको देख के कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरा साहब आप बस देखते जाओ, ऐसी टाउनशिप खड़ी करूंगा ना यहाँ पे, सब लोग देखते रह जाएंगे। आप देखो खाली, ये सारे जितने के सारे बिल्डर्स है ना, सबके सब यहाँ से गायब हो जाएंगे। आरवी, अब हमें भाटिया के इल्लीगल बिजनेस को मैनेज करना बंद करना होगा। वी आर हिटिंग अ डेड एंड। I know, अंकल, ये सब हमें मेरी वजह से करना पड़ रहा है। तुम्हें ये सेल्फ ब्लेम के मोड से बाहर आना होगा। गलती तो भाटिया और सानिया कर रहे हैं। नहीं अंकल, 3 साल पहले जो मैंने किया वो गलत था। मेरे उस एक झूठ ने मैंने कितने लोगों को तकलीफ दी, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। और पिछले 3 साल से हर दिन हर पल मुझे वो बात हॉन्ट करती है। मुझे पता है अंकल, जो मैंने किया उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। मेरे एक झूठ की वजह से एक बेगुनाह इंसान आज जेल में सड़ रहा है, उस चीज की सजा काट रहा है जो उसने कभी की ही नहीं। सोचिए अंकल, उस पे क्या बीत रही होगी।
कहाँ चला गया? वहाँ तो बाथरूम भी नहीं है कोई। थर्ड फ्लोर से जा सकता है क्या कोई? अरे यार। यस मिस्टर अरोड़ा। बेटा तुमने जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि तुम अपने भाई से प्यार करते हो। जो हमने झूठ बोला है उसकी आज जो हम कीमत चुका रहे हैं वो कैसे ठीक है अंकल? किस चीज की कीमत? कल भी देखा था मैंने तुझे यहाँ, आज तो तुम लोग का कोई काम है नहीं यहाँ पे। तू क्या कर रहा है? और बैग में क्या है तेरे? हाँ कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, सुनाई नहीं दे रहा या मुंह से जुबान काट के खा गया? किस बारे में बात कर रहे थे आप लोग? वो मैं कह रहा था कि होटल के परमिट के लिए जो रिश्वत देनी पड़ी ना हमें, कुछ अच्छा नहीं हुआ। यू आर राइट, है तो ये बिल्कुल गलत। हर जगह करप्शन फैली हुई है। इट्स वेरी सैड एंड इट्स वेरी रॉन्ग। पर आप देखिएगा कि नया प्रोजेक्ट हमारे होटल के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। हमारा बहुत फायदा होगा इससे। एंड थैंक यू सो मच, जो आप दोनों मेरी इतनी हेल्प करते हैं, मेरा हर चीज में साथ देते हैं। पता नहीं आप दोनों नहीं होते तो मैं क्या कर पाती। हैप्पी, तुम जानती नहीं हो मैंने तुमसे क्या क्या झूठ बोला है। जब तुम्हें पता चलेगा तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। जितनी हेल्प की है मैंने तुम्हारी उससे ज्यादा बड़ा सच छुपा है मैंने तुमसे। तुझसे बात कर रही हूं मैं, पलट ना, जवाब दे। मुझे तो लगा पकड़े गए, गेम ओवर, पिक्चर दी एंड। पकड़े जाने के लिए नहीं गया था मैं, तू टेंशन मत ले। तू जो करने के जो किया। एक काम कर, चॉकलेट खा। ये कौन सी दादी चॉकलेट है? चॉकलेट खत्म होते ही तुझे खुद में खुद पता चल जाएगा। का? एक्चुअली मम्मी ने बैसाखी के दिन होटल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है छोटे अनाथ बच्चों के लिए, तो मैं आप दोनों को उसके लिए इन्वाइट करने आई थी। आप दोनों को आना ही होगा। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है? नेकी और पूछ, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। एक्सक्यूज मी। आरवी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम उसी अनाथ आश्रम से बच्चों को बुलाएं जिसमें थोड़े टाइम के लिए आप थे। आई नो आपके लिए काफी टफ टाइम रहा होगा वहां पे,
पर आज आप जो इतने सक्सेसफुल और काबिल इंसान हैं, शायद उस टफ टाइम का ही कुछ हाथ होगा उसमें। और सोचिए, वो बच्चे जब आपको मिलेंगे, उन बच्चों को भी ये सीखने को मिलेगा कि अगर हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और कमिटमेंट हो, तो आप लाइफ में भले कितने बुरे दौर से क्यों ना गुजरे, आप फिर भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नहीं, आई एम सो सॉरी आरवी, मैंने शायद आपको बुरे वक्त की याद दिला दी। इतनी अच्छी बात का कोई बुरा कैसे मान सकता है हैप्पी? आई कांट बिलीव कि तुमने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा। तुम कैसे मैनेज कर लेती हो मुझे हर रोज सरप्राइज करना? थैंक यू सो मच हैप्पी। कमाल है आरवी, आप कब से इतने फॉर्मल हो गए मेरे साथ? हम दोनों के बीच ये दोस्ती है, उसे कभी खत्म मत होने देना। चाहे जो हो जाए, ये दोस्ती कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। Never, ever. Promise. Dad, अंदर वो बंदा, Dad. क्या हुआ? 3, 2, 1, शून्य। ये तो बस मौसम विभाग की चेतावनी थी, असली तूफान तो अब आएगा इन सबकी जिंदगी में। चल चिंटू, प्लान के अगले स्टेप का टाइम आ गया है। बर्बाद हो गई, फिनिश। हटिया कंस्ट्रक्शन की सारी बिल्डिंग ताश की पत्तों की तरह धराशायी हो गई। इस हादसे की वजह और बाकी तकनीकी जानकारी अभी भी आनी बाकी है, पर मौका वारदात पर मौजूद हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि मिस्टर भाटिया अपने बिजनेस कोलिग्स के साथ वहां एक पार्टी कर रहे थे इन नई बिल्डिंग्स के उद्घाटन के लिए। उद्घाटन से पहले ही दुर्घटना हो गई और सब लोग वहां से जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। अच्छा हुआ जो लोग अभी इस बिल्डिंग में रहने के लिए नहीं आए, अगर इनकी बिल्डिंग के आने के बाद में ये हादसा होता तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते। इट्स एन अटर केस ऑफ केयरलेसनेस। भाटिया कंस्ट्रक्शंस के फ्लैट्स लेने की तो अब कोई सोचेगा भी नहीं। भाटिया से बिल्डिंग खराब नहीं बनाई, अपना नाम भी खराब कर दिया। आप देख सकते हैं हादसे की लाइव तस्वीरें, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, लेकिन अभी तक कारण का पता नहीं चला। आप हमारे साथ बने रहिए। गॉड, ये न्यूज देखकर बचपन की एक कहावत याद आ गई, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। कर्मा सबका हिसाब बराबर करता है, किसी को नहीं छोड़ता। सारे बंदे घर से, ऑफिस से, बाहर से, सारे के सारे बंदे बुलाओ और सबको खदेड़ो यहाँ से। कॉल द सिक्योरिटी एंड थ्रो देम ऑल आउट। मैंने देखा है उस बंदे को, उसी का हाथ है सबके पीछे। हमें उस बंदे को ढूंढना है, उसका पीछा करना है, किसी भी हाल में ढूंढो उसे। ऐसा नहीं है हमारे ऑफिस।
भाटिया का पूरा घर मेरे हवाले करके चले गए. वेरी बैड फॉर भाटिया. सारे पैसे ले आकर सेफ में संभाल के रख. सानिया भाटिया, बहुत उधारी है तुम्हारी रॉकी के ऊपर. अब उधारी चुकाने का टाइम आ गया है, इंटरेस्ट के साथ. जेल में बड़े गुणी ज्ञानी लोगों से मुलाकात हुई मेरी. चोरी डकैती के माहिर, उन्होंने सिखाया मुझे सीसीटीवी कैमरा को कैसे अवॉइड करते हैं. कैसे? अब ये सीसीटीवी सिर्फ वही देखेगा जो मैं इसे दिखाऊंगा. वो बंदा साइट से ज्यादा दूर नहीं गया होगा. सारी सिक्योरिटी लेकर जाओ और ढूंढो नहीं, पकड़ के लाओ उसे मेरे सामने. एक मिनट, सारी सिक्योरिटी का क्या मतलब है? मतलब तूने घर की भी सिक्योरिटी यहाँ पे बुला ली? इतनी बड़ी बेवकूफी तो कैसे कर सकती? घर पे पता है कितना कैश पड़ा हुआ. तू यहाँ पे संभाल, मैं घर पे जाके चेक करता हूँ. अंडरस्टैंड? चल. तिजोरी मिल भी गई तो खोलेंगे कैसे? आजकल चाबी नहीं, हाईफाई नंबर वाले लॉक रहते हैं. ताले हाईफाई हो गए तो क्या हुआ? चोरी करने के तरीके भी तो हाईफाई हो चुके हैं. पर सेफ खोलने के लिए उंगलियों के निशान चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? जेल में एक बंदा था, रघुनाथ दादा. जेल आने से पहले फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता था. ज्ञान का खजाना था. थोड़े बहुत ट्रिक्स मैंने भी सीख लिए उनसे. रघुनाथ दादा की जय. रघुनाथ दादा की कहाँ छुपाए हैं भाटिया पैसे? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.